नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर इंदौर के अलग अलग क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हुए। हाथों में तिरंगे लिए संविधान बचाओ के नारों के साथ बड़ी संख्या में लोग खजराना के दरगाह मैदान में जमा हुए। विरोध स्वरूप खजराना क्षेत्र में आधा दिन का बंद रखा गया है। सीएए और एनआरसी के विरोध में सुबह खजराना, संयोगितागंज, मल्हारगंज, चंदननगर सहित 6 स्थानों पर कुछ संगठनों ने प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के अफसरों को ज्ञापन सौंपा। हाथों में तिरंगा लिए इन लोगों ने संविधान बचाओ के नारे लगाए। सभी समुदाय के लोगों ने इसमें शिरकत कर देश में एकता और अखंडता बनाए रखने की बात कही। मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ संत समाज ने इसमें शामिल हुए। सीएए और एनआरसी के खिलाफ चलाए गए हस्ताक्षर अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर किए। विरोध स्वरूप राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। एएसपी रुचिवर्धन मिश्र के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से बात रखने पर कोई रोक नहीं है, फिर भी एहतियात के चलते बड़ी संख्या में जवान तैनात किए गए थे। आपको बता दें कि इंदौर में सीएए और एनआरसी के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे और यहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। अलग अलग संगठनों के लोग यहां पर एकत्रित हुए और संविधान बचाओ के नारे लगाए। आपको बता दें कि जब से सीएए पारित हुआ है तब से इसको लेकर देश भर में विरोध देखा जा रहा है और इसी कड़ी में इंदौर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन के तहत सड़कों पर उतरे और सीएए और एनआरसी के विरोध में नारे लगाए, साथ ही संविधान बचाओ के नारे भी इस दौरान लगाए गए। हालांकि ये पूरी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स यहां पर बड़ी मात्रा में तैनात किया गया था। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को कई संगठन देश विरोधी बता रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लखन शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लखन, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आज सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी महेंद्र, आज इंदौर में 6 जगहों पर मुस्लिम समाज और जो अन्य संगठन है उनके लोगों ने प्रदर्शन किया था। तो यह प्रदर्शन 3 दिन पहले इंदौर में होने वाला था, जहाँ पे खजराना में ईदगाह जो मैदान है वहाँ पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने एक जगह पे सभी लोगों को एकत्रित होने से मना कर दिया था, जिसके बाद इनकी बैठक हुई थी जिला प्रशासन पुलिस के जो अफसर है उनके साथ में, उन्होंने इनको 6 अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी। आज सुबह 9 बजे से यह प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसमें सभी मैदानों पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया जहां किसी तरह का विवाद हो। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ जिसमें हजारों की संख्या में लोग तिरंगे झंडे लेकर सीए और एनआरसी के विरोध की पत्तियां लेकर मैदान में उतरे थे। जी, तो जिस तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, लोगों की क्या कुछ मांग है? जी महेंद्र, लोगों की एक तो यही मांग है कि जो कानून बनाया गया है सीए को लेकर इसको वापस लेना चाहिए, और जो एनआरसी की बात कही जा रही है देश में लागू करने की उसको लेकर विरोध है। आज जो इंदौर में प्रदर्शन हुआ उसमें केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, छोटे बच्चों से लेके महिलाएं और सभी लोग मैदान में थे। खास बात देखने को मिली कि न सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग, इनके साथ सिख समाज के लोग, हिंदू संगठन के लोग भी इनके साथ में मैदान में उतरे हुए थे। हालांकि इनका सबका यही कहना है कि जो सीए बिल बनाया गया है वो मुस्लिमों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, इसको वापस लेना चाहिए या इस पर संशोधन किया जाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इंदौर में सीएए और एनआरसी के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे और संविधान बचाओ के नारे यहां पर लगाए गए। आपको बता दें कि जब से नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ है तब से इसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई लोगों ने इसको देश के संविधान के विरुद्ध बताया है, तो इसीलिए मांग की जा रही है कि इस कानून को जल्द से जल्द हटाया जाए। तो इसी कड़ी में इंदौर में भी इसके विरोध में प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी भी की गई। परिवार को इलाज में डाल दिया गया।
इंदौर में सीए और एनआरसी का विरोध किया गया। इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही लोगों ने संविधान बचाओ के नारे भी लगाए। लोगों का कहना है कि ये जो कानून है वो देश के संविधान के विरुद्ध है और इसीलिए इसको जल्द से जल्द हटाया जाए।